नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है जीवन ईश्वर का स्वरूप एवं वरदान। जीवन ईश्वर है या ईश्वर जीवन, इस प्रश्न पर ताओ धर्म के दार्शनिक बहुत समय तक विचार करते रहे और अनंततः वे उस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जीवन मनुष्य के लिए ईश्वर का सर्वोपरि उपहार है। उसकी गरिमा इतनी बड़ी है जितनी उस संसार में अन्य किसी सत्ता की नहीं, इसलिए उसे ईश्वर के समतुल्य माना जाए तो उसमें कुछ भी अतियुक्त न होगी। ईश्वर की झांकी जीवन सत्ता की संरचना और संभावना को देखकर की जा सकती है। यदि उसकी ठीक तरह उपासना की जा सके तो वे सभी वरदान उपलब्ध हो सकते हैं जो ईश्वर के अनुग्रह से किसी को कभी मिल सके। यह प्रत्यक्ष देवता है, हमारे इतना समीप है कि मिलन से उत्पन्न असीम आनंद की अनुभूति अहर्निश ही की जा सके। जीवन का उद्देश्य है अपने अंतराल में छिपे दिव्य का, अद्भुत का, सुंदर का दर्शन कराना। ईश्वरीय जीवन के साथ जोड़ देना जो उसे ब्रह्मांड की आत्मा है पूर्ण और वह सब है जिसमें मानवीय कल्पनाओं से भी कहीं अधिक सौंदर्य का सुखद का सागर लहराता है। ईश्वर को समझना हो तो जीवन को समझो, ईश्वर को पाना हो तो जीवन को प्राप्त करो। हमें जीवन रहित जिंदगी जीते हैं उससे आगे बढ़े, ग्रहे घुसे निर्बल करे और उस महान अवतरण को प्रतिबिंबित करे जो प्रेम के रूप में आत्मा सत्ता के अंतराल में आलोक की एक किस्मत जैसा विद्यमान है। आत्मा को दिव्य से ओतपोत करने की साधना से ही वह सब प्राप्त हो सकता है जिसे जीवन का लक्ष्य और वरदान कहा गया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।